दोस्तों यदि आपको पैसे की जरूरत है और आप बैंक जाते हैं, बैंक वाला आपको पैसा नहीं देता है, तो आपको एक काम करना है। यदि आप एक काम कर लेते हैं तो बैंक वाला आपका घर में पैसा पहुंचा कर जाएगा, ये मैं आपको वादे के साथ बोलता हूं। जी हां दोस्तों, आपको एक काम करना है। कौन सा काम है, चलिए मैं इस वीडियो में आगे बताता हूं कि कौन सा काम आपको करना है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर। आखिर की हम लोग तो जानते हैं कि भारत सरकार आम जनता के उत्थान के लिए कई योजना चलाती है, लेकिन इन योजना में लोन योजना भी शामिल होती है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत तीन लोन देती है। पहला होती है और किशोर लोन, दूसरा शिशु लोन और तीसरा जो तरुण लोन होती है। इस योजना के तहत 50,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक के लोन दिए जाते हैं, ताकि लोन लेकर आप अपना व्यापार भी शुरू कर सके। लेकिन कुछ बैंक लोगों को लोन देने से इनकार कर देते हैं, तो कई बैंक लोगों को लोन के लिए चक्कर लगवाते रहते हैं। ऐसे में आपके मन में सवाल ये उठता होगा कि आखिर ऐसी शिकायतें कहाँ करें ताकि आपको जल्द से जल्द समय पर लोन मिल जाए। और आइए इसी के बारे में आप लोगों को बात कर रहा हूँ। यदि कोई बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है तो आपको शिकायत कहाँ करना होगा, इससे पहले अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि मुद्रा लोन के बारे में सबसे पहले बात कर लेते हैं। यदि मुद्रा लोन की बात की जाए, अगर आप खुद का कारोबार खड़ा करना चाहते हैं तो इस योजना के तहत बैंक से 10 लाख रुपए तक का लोन ले सकते हैं। मुद्रा लोन तीन तरह के होते हैं, जिसमें पहला शिशु लोन, दूसरा किशोर लोन और तीसरा तरुण मुद्रा लोन। शिशु मुद्रा लोन के तहत अपना व्यापार शुरू करने के लिए 50,000 रुपए तक लोन दिया जाता है। दूसरा किशोर लोन, इस लोन के तहत 50,000 रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का लोन आपको दिया जा सकता है, लेकिन आपको इस लोन को चुकाने के लिए 14-17% ब्याज देना होगा। तीसरा लोन होता है तरुण मुद्रा लोन, इसके तहत आपको 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है, इस पर 16% का ब्याज देना होगा। यदि आपको कोई भी बैंक लोन नहीं देता है तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, और इस नंबर पर संपर्क करके आप उस लोन के विरोध शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। और यदि मान लीजिए आपको लोन लेना है, तो लोन लेने के लिए आपको कौन कौन दस्तावेजों की जरूरत होगी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। यदि आप लोन लेना चाहते हैं तो लोन के लिए आपको स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या कोई भी बैंक हो, अपना पहचान पत्र, निवास प्रमाण, बैंक स्टेटमेंट, फोटोग्राफी, बिक्री दस्तावेज, कोटेशन और अस्थाई पता प्रमाण पत्र देना होता है। साथ ही आपको जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर, इनकम टैक्स रिटर्न की जानकारी भी देनी होगी। लोन के लिए आप चाहते हैं SBI की इस वेबसाइट पर आकर आप संपर्क भी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी और थोड़ी से भी नॉलेज मिल लगी और आपको कोई बैंक आपको लोन नहीं दे रहा है, तो आप इस नंबर पर संपर्क करके आप शिकायत भी दर्ज कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।